हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस इन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 29 जनवरी है आज। आइए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले कोटेशन मिल रहा है और ये कोटेशन है सुभाष चंद्र बोस जी का। बहुत सारे लोग जो तैयारी में होंगे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। आप खुद से परेशान नहीं होते हैं बल्कि आप अपने आसपास के माहौल से परेशान होते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपके फ्रेंड या आपके रिश्तेदार में आपके जो भी कजन्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेल एंड व्हाट यू आर डूइंग यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। तो बहुत डीमोटिवेशन सा कई बार फील होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने, लाइफ लॉसेज हाफ ऑफ इट्स इंटरेस्ट इफ देर इज़ नो स्ट्रगल इफ देर आर नो रिस्क टू बी टेकन। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है या फिर कोई ऐसा रिस्क नहीं है जो आप लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं तो हाफ ऑफ द इंटरेस्ट तो ऐसे ही नहीं रहता है आपको लाइफ का। तो आपको इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है कि इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग लाइफ एंड यू आर लीडिंग दिस लाइफ इन अ गुड मैनर एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को पूरा दे रहे हैं इस एग्ज़ाम में, आप सारी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस समय में जब भी आपको डीमोटिवेशन का फील होता है या कभी भी ऐसा लगता है तो उसको मेंटेन करना है कि कैसे आप ठीक हो जाएं, खुद को बैलेंस करना है बिकॉज समय थोड़ा कम है। अभी जितना भी समय आपको मिलता है वो आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी पर दीजिए। तो ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से जिनको भी इसके बारे में पता करना हो क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में, देखिए पर्सनल गाइडेंस का एक प्रोग्राम है यहाँ पर। इसमें आपको पर्सनली हेल्प किया जाता है। एक कोच या गाइड होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपको कैसे प्लान बनाना है, आपका वर्बल टेस्ट लिया जाता है, आपके नोट्स अभी से तैयार करवाए जा रहे हैं। अभी जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका नोट्स प्रॉपर बनवाया जा रहा है, ठीक है। साथ में आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कम प्रेशर होगा आंसर राइटिंग के लिए अभी, लेकिन जो अगले साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके आंसर राइटिंग पर अभी पूरा फोकस किया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, फिर उस पर आपका टेस्ट होता है। तो जो सारी चीज़ें हैं इसमें ओवरऑल आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन में आपकी मदद करती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे आज के पहले आर्टिकल से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है ये, कोरोना वायरस पर बेस्ड है। कई बार न्यूज़ में, एडिटोरियल में, सब जगह पर हमने इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये है चाइना। ये कोरोना वायरस जो है यहाँ पर, ये वुहान जो जगह है यहीं पर ये इमर्ज हुआ है, ठीक है। कोस्टल स्टेट है यहाँ पे वुहान, और यहाँ से पूरे चाइना में फैल चुका है और अब चाइना से बाहर की कंट्री में भी जाना शुरू हो चुका है। तो कोरोना वायरस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जो लोग नए हैं उनको बता दें कि इट इज़ ऑल्सो डिजिग्नेटेड एज 2019 NCOV, ठीक है। कोरोना वायरस का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है COV, और ये आपके प्रिलिम्स में आ सकता है कि 2019 NCOV क्या है, न्यूज़ में था। तो इसको पहली बार कहाँ, वुहान प्रोविंस जो है हुबेई में, उसमें देखा गया, और उसके बाद ये फैलना शुरू हो गया है। इससे क्या होता है, निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। कई सारे इसके सिम्टम्स हैं, उसके बाद निमोनिया हो जाता है और निमोनिया के बाद बॉडी के जो सारे सिस्टम है वो काम करना बंद कर देते हैं और इट विल लीड टू डेथ। तो ये इसका मेन है। अब इसमें आपको बेसिक फैक्ट्स क्या क्या याद रखना है कि कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन सिस्टम नहीं है, ट्रीटमेंट भी पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी पहली बार इस कोरोना वायरस को देखा गया है। और हालांकि इसके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। इसमें ये जो ट्रांसमिशन है ये एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू एनिमल में भी हो रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है ये बेसिक्स। अब आइए आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो पहले तो बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद आर्टिकल में कहा गया है कि इस वायरस से कई सारे लोग अफेक्ट हो चुके हैं। कहाँ हम लोग 16-17 लोग देख रहे थे, लेकिन अभी संख्या बहुत बढ़ चुकी है। इस वायरस से अफेक्ट होने वाले लोग टोटल 4500 हो चुके हैं। ये रिसर्चर्स ने पता लगाया है, इंपीरियल कॉलेज लंदन के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि इससे अभी 70,000 से 1,00,000 के करीब और लोग अफेक्ट हो सकते हैं। तो WHO के द्वारा भी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका है, और इसका इम्पैक्ट पूरे चाइना और चाइना के बाहर, जैसे कुछ लोग जो चाइना में जा रहे हैं या स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं या वहाँ के लोग जो बाहर की कंट्रीज में पढ़ाई करते हैं, उनमें फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आउटब्रेक है वो याद दिलाता है एक SARS एपिडेमिक की। इसमें भी 2002-03 में करीब 800 से ज़्यादा लोगों की जाने गई थी और 8,000 के लोग इसमें अफेक्ट हुए थे पूरे वर्ल्ड वाइड।
तो इसमें कोरोना वायरस का भी इससे काफ़ी कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जिसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, उसमें भी फीवर, कफ, ये सारी दिक्कतें थी, यहाँ पर भी कोरोना वायरस में सेम चीज़ें हो रही हैं। अभी तक नो वैक्सीनेशन है अवेलेबल इसके लिए, एंड एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल निमोनिया। ये जो वायरल की वजह से यहाँ पे निमोनिया हो रहा है, इसका कोई भी एंटीबायोटिक इसके खिलाफ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको डील करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। कोरोना वायरस जो है एक जूनोटिक वायरस है ये, ठीक है, इट इज़ अ जूनोटिक वायरस दैट जम्प्स फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल। ये ह्यूमन से एनिमल में जंप हो जा रहा है, और WHO ने एस्टिमेट किया है 3 out of 4 न्यू डिजीज दैट हैव इन्फेक्टेड ह्यूमन इन द पास्ट इज ट्रांसमिटेड बाय द एनिमल। तो WHO के द्वारा भी क्या पता लगाया गया है कि 4 में से 3 ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा अफेक्टेड है, ह्यूमन के द्वारा सॉरी एनिमल के द्वारा ट्रांसमिटेड है ह्यूमन में, और फिर वो ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बैट आर नोन एज टू बी कैरियर ऑफ वायरस सच एज इबोला। इबोला आउटब्रेक भी आपको याद है कितना भयानक इबोला वायरस है, और ये भी कहाँ से आता है, बैट की वजह से आता है, ठीक है। तो आपको इससे क्या क्लू मिलता है, देखिए आर्टिकल में तो चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे यही इसका, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करें सोचें, तो आपको लगेगा कि जिस तरीके से हमने उस पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, हमने एनिमल्स को अफेक्ट किया है, एनिमल को परेशान किया, उनके हैबिटेट को ख़त्म किया है, उनके जो चीज़ें हैं उस पर अपना कब्जा किया है, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो बीमारियां आ रही हैं वो एनिमल इम्पोज्ड बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो बैट की वजह से हो रहा हो, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर वायरस की वजह से हो रहा हो, तो देखिए ये एनिमल से ट्रांसमिट होती जा रही हैं। तो यहाँ पर वही इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की जा रही है, SARS एंड इवन करंट कोरोना वायरस, ये दोनों ही एनिमल से स्प्रेड हो रहा है, वायरसेस स्पिल्स ओवर द ह्यूमन इज स्टिल नॉट क्लियर। हालांकि क्या एग्जैक्टली इसका रीज़न है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर जो एनिमल्स हैं उनमें ही ये वायरस कैसे आ रहे हैं। बुश मीट मार्केट है वहाँ पर चाइना में, वहाँ से ये पूरा फैल रहा है। इन चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड कंडीशन ऑफ सच पैथोजेंस टू प्रोलिफरेट एंड बट ग्लोबल कोऑपरेशन टू चेक सच वायरस हैज एट द बेस्ट व्हेन एपिसोडिक। तो ये जो अभी चैलेंज मिल रहा है ग्लोबल लेवल पर, उसको मिलके कोऑपरेशन के साथ आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर क्यों ये दिक्कत हो रही है, क्यों ये फ्लू स्प्रेड होता है, क्यों ये प्रॉब्लम आई है, और इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, पॉज्ड फॉर टेक ऑफ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। न्यूज़ ये है कि एयर इंडिया को दूसरी बार, मतलब अब फिर से डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में लाया गया है। 2018 में जब इसको पहली बार एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में लाया गया था, तो काफ़ी निराशा मिली थी, कोई भी बिड वहाँ पर रिसीव नहीं हुआ था गवर्नमेंट को। लेकिन दूसरी बार जब इस प्रोसेस को अपनाया गया है, तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, और जो बायर्स हैं उनके लिए चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की गई है, ताकि इन एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं इनको बेचा जा सके, और फिर वहाँ से सरकार के पास फाइनेंशियल हेल्प हो सके, कि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है एयर इंडिया, ठीक है। तो अब इस पे एनालिसिस क्या किया गया है कि कैसे इसको सरकार ने आसान बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले सरकार ने अपने स्टेक को इसमें छोड़ा है, ताकि जो लोग बिडर्स हैं उनको आसान हो सके, और वो पूरे ऑपरेशनल फ्रीडम उनको मिल सके, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। दूसरा, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, खास करके जो एयरलाइन का मैसिव डेट है, जब कोई भी कंपनी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा डेट में, बहुत नुकसान में है, कर्ज में है, तो कोई भी व्यक्ति उसको क्यों खरीदना चाहेगा। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, प्लान किया है कि वो जो एयरलाइन का मैसिव डेट है उसको कम करेंगे, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसके लिए उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल का प्लान बनाया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया जा सकता है, खास करके ऐसी कंपनियां जो नुकसान में होती है, जिनके ऊपर फाइनेंशियल क्रंच होता है, वो ऐसे SPVs को बनाती हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को बनाती है अपने फाइनेंशियल रिस्क को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये जो डेट है इसका एयरलाइंस का, उसको कम किया जा सके, और बायर्स के ऊपर बर्डन को कम किया जा सके। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, दैट गवर्नमेंट हैज़ लोअर्ड द नेटवर्थ क्राइटेरिया पोटेंशियल बिडर
अब ये जो बिडर है उनके लिए दाम कम किए गए हैं। पहले 5,000 करोड़ से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत 3,500 करोड़ रुपए से किए जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिया है लोगों को, मतलब एटलीस्ट लोग आए तो सही बिडिंग के प्रोसेस में, पार्टिसिपेट तो करें। तो इसके लिए भी चीज़ों को आसान बनाया गया। चौथा क्या है, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैव बीन ट्वीक्ड एंड कंसोर्टियम हैव बीन गिवन द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द बिडिंग। बिडिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, बहुत सारे चीज़ों को आसान किया गया है, लेकिन स्टिल चैलेंजेस आर देयर। जो पहला चैलेंज है वो है वर्कफोर्स। एयर इंडिया में काम करने वाले जो ह्यूज वर्कफोर्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज की तरह होगा। वे फॉरवर्ड में भी यही कहा जा रहा है कि एक अच्छा अप्रोच लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर ऑपरेशंस को चलाए जाने चाहिए, और ताकि ये जो पूरा एयर इंडिया का सिस्टम है उसको ठीक किया जा सके। बाकी के जो आर्टिकल मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, उसमें से एक आर्टिकल है जो फॉरेन सेक्रेटरी बनने वाले हैं 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर, आई मीन आईएफएस उन्होंने चुना था, वो टॉपर रहे थे उस साल के। तो उनके बारे में लिखा गया है कि कैसे कैसे उनका स्ट्रगल रहा, क्या रहा उनके, उन्होंने एज एन एम्बेसडर कहाँ कहाँ पर काम किया है, और उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे, 2005 का क्या चैलेंज था। तो वो आप उस आर्टिकल में एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगेगा आपको, क्योंकि वो आपसे मिलता जुलता है। बाकी का जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के है। उसके बाद एक आर्टिकल जम्मू कश्मीर में कश्मीरी जो पंडित हैं वो जाते हैं तो वहाँ पर उनका कैसे उनको कोऑपरेशन करना है, वहाँ पे जो ऑलरेडी कम्युनिटी रह रही है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उसके बाद वहाँ पर जो वहाँ से बाहर चले गए कश्मीरी पंडित हैं, जब वो जाएंगे तो वो कैसे आपस में रहेंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, उसके बारे में आर्टिकल में लिखा गया है। अब आइए हम न्यूज़ पर चलते हैं, और ये हम एक्सप्लेन्ड पेज को देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बोडो एकॉर्ड से जुड़ा हुआ। अभी दो दिन पहले न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, असम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोडो ग्रुप तीनों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है, इंक्लूडिंग ऑल फैक्शंस ऑफ द मिलिटेंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है कि कैसे इस बोडो एरिया को डेवलप किया जाएगा। जो BTR है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, उसको कैसे डेवलप किया जाए, वहाँ पे लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिए जाए, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये बहुत समय से चलता हुआ एक बोडो इशू है। क्या है ये इशू, इसके बारे में जानते हैं। बोडोज जो हैं वो लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है, कहाँ पर, असम में, ठीक है। बोडोलैंड का आपने नाम सुना होगा, बोडोलैंड की डिमांड चलती है बहुत सालों से, और बोडोज वहाँ के सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ये आपको याद रखना है। 5-6% असम का पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बोडोज, 5-6% इनकी कम्युनिटी है वहाँ पर। बोडोज स्टेट के में 1967-68 अंडर द बैनर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम। तो ये 1967-68 से ही इसका पूरा स्टार्ट हो गया था। 1987 में फाइनली एक ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन बनाया गया, ABSU, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, जिसको कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने लीड किया था। उसके बाद आगे चल करके फिर बोडो स्टेट हुड की डिमांड हुई, इस पूरे कम्युनिटी ने उसको रिवाइव किया। फिर एक आर्म्ड ग्रुप बनाया गया, आर्म्ड ग्रुप का नाम क्या था, बोडो सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक आर्म्ड ग्रुप बनाया गया, और इसके लीडरशिप में कौन थे, रंजन दायमरी ने 1986 अक्टूबर में इस आर्म्ड फोर्स को, ग्रुप को बनाया, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड इटसेल्फ एट NDFB जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी है। व्हाट इज BTC, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, क्या है ये BTC, इसको देखते हैं। इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल आपको याद है, एक तो 6th शेड्यूल इंपॉर्टेंट होता है और 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल में तो सारे वो ट्राइबल स्टेट होते हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये सारे होते हैं। 6th शेड्यूल का शॉर्ट फॉर्म होता है AMTM, राइट। ए से है असम, अब यहाँ पे बात हो रही है असम की, तो यहाँ पे 6th शेड्यूल में असम आता है, और असम में एक ऑटोनमस बॉडी की तरह है,
ये बीटीसी, इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था, बीटीसी बनाया गया था ताकि जहाँ पर बोडोज रहते हैं उस एरिया को एक ऑटोनोमस रीजन की तरह बनाया जा सके, ठीक है। तो 1987 में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट वगैरह हुआ वहाँ पर, ABSU की भी हम बात कर रहे थे, उनके द्वारा इम्पोज एक मूवमेंट हुआ, और फिर 1993 में फाइनली बोडो एकॉर्ड साइन किया गया। जैसे असम एकॉर्ड था, याद होगा आपको, उसके बेसिस पर एनआरसी को रिवाइव किया गया है, फिर से एनआरसी को अपडेट किया गया है, वैसे यहाँ पर बोडो एकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। बोडो एकॉर्ड में बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बना दिया गया, लेकिन उसके बाद ABSU जो थे वो इस एग्रीमेंट से विदड्रॉ कर गए और फिर से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लग गए। फिर 2003 में सेकेंड बोडो एकॉर्ड हुआ, और इसमें इट विल साइंड बाय द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, BLTF जो है, उन्होंने सेंटर स्टेट के साथ मिलकर के इस एग्रीमेंट को साइन किया, जो कि सेकेंड था, और इट विल लीड टू द BTC, फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वहाँ पर बनाया गया। आगे है, व्हाट वाज एग्रीमेंट ऑन द टेरिटरी, क्या एग्रीमेंट है, द एरिया अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ BTC फॉर्म्ड अंडर 2013 अकॉर्ड, अभी हम देख रहे हैं 2003 का जो अकॉर्ड था, सेकेंड बोडो अकॉर्ड, वॉज कॉल्ड बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, BTAD, क्या कहा गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और अब ये क्या कहा जाएगा, BTAD वॉज रीनेम्ड एज बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, BTR के नाम से अब जाना जाएगा, जो नया एग्रीमेंट हुआ है सरकार के साथ, अब ये BTAD जो था वो BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अकाउंटिंग ऑफ 11% असम एरिया एंड 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो यहाँ पर ये पूरा एरिया है, एरिया वगैरह का आप ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए थोड़ा आप देख सकते हैं इस रीजन में, यहाँ पर एरिया ये असम पूरा का पूरा स्टेट है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर डिमांड होती है बोडोलैंड की, ठीक है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, कोरांजिहार, चिरांग, उदालगुरी, गुवाहाटी, तो इधर नीचे की तरफ है ये बक्सा, बक्सा भी यहीं पर है, ये वाला रीजन है पूरा बोडो का रीजन। एंड द गवर्नमेंट विल सेटअप बोडो काचेरी वेलफेयर काउंसिल, याद रखिएगा ये काउंसिल बनाया है अभी गवर्नमेंट ने, ताकि बोडो विलेज के डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ भी एक्सप्लेन पेज का ही है, स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप, पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है किसका, तो याद रखिएगा नासा के पास ये टेलीस्कोप था, स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अब काम करने की हालत में नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू बी एंड, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। 16 साल से अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा था टेलीस्कोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप था स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप, जैसे कि स्पेस बॉर्न ऑब्जर्वेटरी था, एंड वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ नासाज ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज, जितने भी नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज हैं, इसमें कि हबल स्पेस टेलीस्कोप है, चंद्रा एक्सरे है, उसी में ये स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप भी था। इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए किया गया और बहुत सारी फाइंडिंग्स को का पता लगाने के लिए किया गया था, दीज इंक्लूड एक्सोप्लैनेट्स, ये इन सब का पता लगाया, ब्राउन ड्वार्फ एंड कोल्ड मैटर फाउंड इन द स्पेस बिटवीन द स्टार्स, इन सभी का पता लगाया गया इन टेलीस्कोप के माध्यम से, जो कि इनविजिबल होते हैं। अगला न्यूज़ भी इसी पेज पर है, एक्सप्लेन पर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाम ऑयल के इंपोर्ट पर है पूरा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ थी कि सरकार ने पाम ऑयल को रेगुलेट किया है, बैन नहीं किया गया था पूरी तरीके से, रेगुलेट किया गया था, और उसमें स्पेशली स्पेसिफिकली न्यूज़ में कहा गया था कि मलेशिया से आने वाले जो पाम ऑयल है उसको हमने रोक दिया है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये बताया गया था कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है महाथीर बिन मोहम्मद, उनके द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए जो कि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, और उसमें उनका जो अग्रेसिव क्या बिहेवियर था उसको रिटेलिएट करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, लेकिन उसको आगे देखेंगे, ऐसा कुछ ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो अभी रिसेंटली इंडिया हैज़ कट इम्पोर्ट ड्यूटी, अभी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है सरकार ने क्रूड पाम ऑयल पर, CPO पर और RBD पर, ये शॉर्ट फॉर्म है CPO, आपको पूरे डिस्कशन मिलेगा इसमें, और RBD क्या होता है, ये CPO है क्रूड पाम ऑयल, और RBD है रिफाइंड ब्लीच्ड और डियोडराइज्ड पाम ऑयल, तो इन दोनों के इंपोर्ट पर ड्यूटी को कम कर दिया है सरकार ने, एंड RBD ऑयल फ्रॉम द फ्री टू रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट ऑफ द इम्पोर्ट,
और एक बात और यहाँ पर है कि जो आरबीडी है, दिस ऑयल फ्रॉम द फ्री, जो फ्री इंपोर्ट होता था उससे रिस्ट्रिक्टेड की लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं आरबीडी से जुड़ा हुआ। हैज़ इंडिया बैंड इंपोर्ट ऑफ मलेशियन पाम ऑयल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन? तो कहा जा रहा है नहीं, नॉट रियली, ऐसा नहीं है। कारण क्या है? द इंपोर्ट ऑफ आरबीडी पाम ऑयल हैज़ रिस्ट्रिक्टेड, नॉट बैंड, बैन नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट अगर ऐसा आ जाए कि बैन कर दिया, तो बैन नहीं किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और वो भी सिर्फ मलेशिया से नहीं, इसको मंगाए जाने वाले अदर कंट्रीज से भी, उसमें और कई कंट्रीज हैं जहाँ से इसको बंद किया गया है। सो अंडर दिस ट्रेड क्लासिफिकेशन सिस्टम इंडिया फॉलोज एक्सेप्ट फॉर द गुड्स एंड कैन बी इम्पोर्टेड ओनली स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस। जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं वही इनको मंगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिस्ट्रिक्टेड गुड को अगर आपको मंगाना है तो उसके लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है, और जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं वो ही इसको मंगा सकती हैं। हाउ मच पाम ऑयल डज इंडिया इम्पोर्ट? कितना इम्पोर्ट होता है इंडिया में पाम ऑयल? देखिए, इसका कारण भी हम जानेंगे क्यों इतना इम्पोर्ट होता है। 64.15 लाख मेट्रिक टन ऑफ CPO क्रूड पाम ऑयल कितना? 64 लाख मेट्रिक टन के करीब। और 23 लाख मेट्रिक टन RBD को मंगाया गया है 2018-19 में। तो ये अभी का डाटा है, इंडोनेशिया से ये इम्पोर्ट हमने किया है। ये भी डाटा कॉमर्शियल मिनिस्ट्री की तरह दिया गया। इसमें $10 बिलियन का वर्थ ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन 2019-20, और ये इतना ऑयल हमने 19 से 20 के करीब इसको मंगाया है। तो ये डाटा शो हो रहा है। इससे क्या होता है, जब हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं तो यहाँ का जो ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व है वो बाहर जाता है। भारत में इतने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इतना पाम ऑयल को हम इम्पोर्ट करते हैं? क्योंकि इट इज़ द चीपेस्ट एडिबल ऑयल। जो पाम ऑयल है वो चीपेस्ट एडिबल ऑयल होता है जो नेचुरली अवेलेबल होता है। एंड यहाँ पर ऑयल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ऑयल का की खपत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम तली भुनी चीज़ों को बहुत खाते हैं। या तो जैसे आप अगर होटल्स में जाइए तो कैसे आपको ज़्यादातर फ्राइड चीज़ें मिलती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ मेन इंग्रेडिएंट इन वनस्पति हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। हु विल बी इम्पैक्टेड बाय द डिसीजन? किसको इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन से? इंडोनेशिया एंड मलेशिया टुगेदर प्रोड्यूस 85% ऑफ वर्ल्ड्स पाम ऑयल। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ऐसे देश हैं जो 85% ऑफ टोटल वर्ल्ड के पाम ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें भारत उनका बिगेस्ट बायर है। तो सीधा किसको फर्क पड़ेगा? दोनों को, इंडोनेशिया को भी और मलेशिया को भी इस रिस्ट्रिक्शन से फर्क पड़ने वाला है। एंड इंडोनेशिया ऑन द अदर हैंड कैन सप्लाई CPO विद वुड बी अलाउ इंडिया टू यूटिलाइज इट्स फुल रिफाइंड कैपेसिटी। आगे देखते हैं, दैट विल रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट ऑफ RBD पाम ऑयल हेल्प फार्मर? क्या जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है फार्मर को मदद पहुंचाएगा? सो दिस RBD इम्पोर्ट विल नॉट हेल्प फार्मर डायरेक्टली, डायरेक्टली फार्मर को इम्पैक्ट नहीं करेगा ये, एज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। क्योंकि फार्मर जो है इस रिफाइनिंग प्रोसेस में है ही नहीं, तो उनको ज़्यादा फर्क इससे पड़ेगा नहीं। इफ प्राइसिस कंटिन्यूज टू होल्ड, फार्मर विल गेट बेटर रियलाइजेशन ऑफ देयर क्रॉप। तो उनके जो क्रॉप है उन पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। एंड द टाइम फ्रेम ओवर विच द चेंज ऑफ इम्पोर्ट पॉलिसी विल हैव इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रॉप रियलाइजेशन इन द फेयरली लॉन्ग। तो इसमें यही कि फार्मर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो इसके प्रोसेस में नहीं है बहुत ज़्यादा। मलेशिया का ऐसे इफेक्ट होगा तो नो डाउट होगा। मलेशिया हैज सेड दैट इट कैन नॉट रिटेलिएट अगेंस्ट इंडिया बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल। तो खैर, मलेशिया ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हमने कभी रिटेलिएट नहीं किया इंडिया को, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और हम ऐसा नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली इंडिया एक लार्जेस्ट मार्केट है मलेशिया के लिए। ये चीज़ अभी पूरे वर्ल्ड में हर देश को समझना चाहिए कि भारत के पास बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, और उस चीज़ को आपको समझना होगा। इंडिया ब्रॉट ओवर 23% ऑफ ऑल CPO प्रोड्यूस्ड इन मलेशिया। तो इसलिए इंडिया मलेशिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के नाम से, 2011 में ये किया गया था। ये IR में इम्पॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज। पहला न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाने के लिए 2000
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, जब गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा फिर से कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, तब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है। इस पर एक कमेटी बनाई गई थी, अभी जो बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एंड जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत ने अलाउ कर दिया है कि एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो प्लान कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चीता को भारत में, क्योंकि एनटीसीए ने बताया कि चीता पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया से, कंट्री से, और इसको इसीलिए वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर कमेटी बनाई गई थी, जो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ है रंजीत सिंह, उन्होंने उनके अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन हुआ था और उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। अगला न्यूज़ है मैन वर्सेस वाइल्ड, आपने से बहुत बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देखते भी होंगे। बांदीपुर में शूट किया जाएगा मैन वर्सेस वाइल्ड को, ठीक है, डिस्कवरी पर आने वाला ये प्रोग्राम है, आपको पता होगा। और इसमें कौन होते हैं, बियर गर्ल्स, इनका नाम सुना होगा, ये रजनीकांत के साथ मिलकर के ये पूरा शूट होने वाला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। इसके खिलाफ बातें उठ रही हैं। अब आपको पिटी के लिए फैक्ट याद रखना है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपको देखिए, मैन वर्सेस वाइल्ड जो है ये अभी दूसरी बार न्यूज़ में आ रहा है, पहली बार मोदी जी की वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि मोदी जी इस शूट में शामिल हुए थे और इसमें यही बताया गया था कि भारत की डाइवर्सिटी वगैरह को हम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इससे जो बाहर के लोग हैं टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अगर इंडिया में सूट होता है तो अब यहाँ न्यूज़ क्या है कि इसके खिलाफ लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है, जो कर्नाटका में पाया जाता है, वहाँ पर क्रिटिकल टाइम चल रहा है। क्रिटिकल टाइम क्यों चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर बुश फायर लाइन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर है उसका बहुत खतरा होता है। और अ फायर लाइन ऑफ द फायर ब्रेक इज अ गैप इन वेजिटेशन और अदर कम्बस्टिबल मटेरियल दैट एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ बुश फायर को रोकता है। तो वहाँ पर जो वो एक्टिविटीज चल रहे हैं वो हैम्पर हो जाएगी, जब वहाँ पर शूट होगा तो जो वर्कर उसमें काम कर रहे हैं वो, उनको कुछ दिन के लिए वहाँ से हटना होता है या जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी, तो इसके लिए ये न्यूज़ में आया है। देखिए अगला न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। 10 मोर वेटलैंड को शामिल किया गया है रामसार लिस्ट में। देखिए अब यहाँ पे जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन आपको एक बात बता दें कि रामसार साइट में जब भी कोई वेटलैंड जुड़ता है तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है, वो आपके लिए निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ अगर आप एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि रामसार साइट में तभी वेटलैंड्स को जोड़ा जाता है जब उसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10 और ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि खतरे के जोन में चले गए हैं और उनको हाईली प्रोटेक्टेड करना बहुत ज़रूरी है। तो 10 नए वेटलैंड को शामिल कर लिया गया है और इंडिया में 37 वेटलैंड्स हैं जो रामसार लिस्ट में हैं। रामसार कन्वेंशन के बारे में बेसिक फैक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम के लिए। तो 1971 में इसको साइन किया गया था, रामसार कन्वेंशन को। ये अभी तक का ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट एंड ओनली इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है जो कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। ओनली एंड ओल्डेस्ट जो कन्वेंशन है वो है रामसार कन्वेंशन, याद रखिएगा। और इसमें क्या, इसका क्या एम होता है, तो सस्टेनेबल वर्क करना, वेटलैंड्स को बचाना, वहाँ की एक्टिविटीज़ को बदलना, इकोसिस्टम को मेंटेन करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और अभी कौन कौन से इसमें 10 जोड़े गए वो देख सकते हैं आप, कौन से नए साइट्स जो ऐड हुए हैं ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस बार एग्जाम में उस तरह मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में ही आ जाए या यही आ जाए कि कौन से साइट्स हैं इनमें से जो अभी नए ऐड हुए हैं। तो नांदूर मधमेश्वर है, उसके अलावा ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद केशवपुर मियानी है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, नांगल है, फिर नवाबगंज है, पार्वती अग्रा समान, ये सारे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं और इसमें ऐड किए गए हैं रामसार लिस्ट में, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें अपने अच्छे अच्छे एंड थैंक यू, थैंक्स लॉट।